हेलो दोस्तों, आज अपन चेनाइसोमर्स पढ़ेंगे, पर आप मेरे साथ जुड़े हुए रहो। एक से एक बढ़िया क्वेश्चन लाएंगे और सारे क्वेश्चन मैं कराऊंगा, जो मैं कराऊंगा उससे बाहर कुछ भी नीट में केमिस्ट्री के अंदर नहीं आएगा। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, चेनाइसोमेरिज में क्या होगा, मॉलिकुलर फॉर्मूला सेम होगी, सेम होमोलोगस सीरीज होगी, बट डिफरेंस किस में होगा, जो प्रिंसिपल कार्बन चेन है उसमें होगा, या फिर याद देखो इंपॉर्टेंट चीज़ है, साइड चेन में होगा। ठीक है, साइड चेन से भी पोजिशन आइसोमर्स डिफाइन होते हैं। ठीक है, चलो देखते हैं एग्जाम्पल्स। यहाँ देखो, नियोपेंटेन, आइसोपेंटेन और एन पेंटेन, इन तीनों में जो इसका IUPAC नेम्स है वहाँ पर प्रिंसिपल कार्बन चेन डिफरेंट होगी। 1, 2, 3, यहाँ पे 3 कार्बन की प्रिंसिपल चेन है। यहाँ पर देखो 1, 2, 3, 4, यहाँ पर 4 कार्बन की प्रिंसिपल चेन है और यहाँ पर तो पूरे 5 कार्बन की चेन है। ठीक है, इसलिए पूरा चेन का डिफरेंस है, इसलिए ये आपस में चेन आइसोमर्स हैं। यहाँ पर देखो 1, 2, 3, यहाँ पे 3 कार्बन की चेन है। यहाँ पर देखो 1, 2, 3, 4, 4 कार्बन की चेन है, इसलिए ये आपस में दोनों चेन आइसोमर्स है। यहाँ पर देखो 1, 2, 3, 4, यहाँ पर देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, देखो कार्बन तो इसमें भी 6 है बट यहाँ पर चेन 6 कार्बन की है और यहाँ पर दो जो कार्बन है वो सब्स्टिट्यूएंट के रूप में, इसलिए ये दोनों कंपाउंड आपस में चेन आइसोमर्स है। समझ में आ रहा है? चलो, समझ में आ रहा है तो लिखो कमेंट में यस सर। यहाँ पर देखो कितने कार्बन की चेन है, यहाँ पर देखो चेन यहाँ से स्टार्ट होगी, ये थोड़ा सा इस फंक्शनल ग्रुप आ रहा है, स्पेशल फंक्शनल ग्रुप है, किंग वाला कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप को नंबर 1 देते हैं। 1, 2, 3, 4, यहाँ पर देखो 4 कार्बन की चेन है और यहाँ पर देखो 1, 2, 3, 4, 5, यहाँ पे 5 कार्बन की चेन है, यहाँ पे ये दो कार्बन यहाँ लटके हुए हैं और यहाँ पर एक ही कार्बन लटका हुआ है, तो ठीक है, तो ये आपस में चेन आइसोमर्स हो गए। यहाँ पर देखो 1, 2, 3, तो देखो यहाँ पे 3 कार्बन की चेन है और यहाँ पर देखो 1, 2, 3, 4, 4 कार्बन की चेन है, इसलिए ये आपस में दोनों चेन आइसोमर्स हो गए। ठीक है, यहाँ पर देखो 1, 2, 3, 4, यहाँ पे देखो 1 इसको क्यों दिया, क्योंकि ये हमारा फंक्शनल ग्रुप है, कार्बोक्सिलिक एसिड सल्फोनिक एसिड सेकेंड नंबर पे आता है, इसलिए ये सबसे नंबर 1 लेगा। तो यहाँ पे देखो 4 कार्बन की जो रिंग है, यहाँ पर देखो 1, 2, 3, 4, 5, यहाँ पे 5 मेंबर्ड रिंग है, जो 5 मेंबर्ड रिंग है इसलिए ये आपस में दोनों चेन आइसोमर्स हैं। यहाँ पे मिथाइल बार लटका हुआ है। ठीक है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम ही होगा, देखो होमोलोगस सीरीज सेम है, चलो इसलिए ये दोनों आपस में क्या हो गए, चेन आइसोमर्स हो गए। अगला देखो, ये देखो यहाँ पे डिफरेंस इन साइड चेन है, यहाँ पे जो साइड चेन है यहाँ पे देखो डिफरेंस आ रहा है उसके नंबर में। यहाँ पर देखो 1, 2, 3, 4, 5, 5 कार्बन की साइड चेन है, यहाँ पे देखो 1, 2, 3, 3 कार्बन की चेन है, 4 और 5, इसको 4, 5 देखो नहीं काउंट करेंगे, यहाँ पे 1 और 2 है, मैं कार्बन बता रहा था 1 और 2 और 1, 2, 3, 5 कार्बन है, बट डिफरेंस किस में आ रहा है, साइड चेन में डिफरेंस आ रहा है। ये एक अच्छा एग्जांपल है, ये देखना कभी कभी रिपीट मिलेगा आपको, अच्छे से देखो इसको। ठीक है, साइड चेन के हिसाब से ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, चेन आइसोमर्स हो जाएंगे। अब ये आपके लिए होमवर्क है, बहुत आसान सा है। ठीक है, जैसे मैंने ये किए हैं वैसे वैसे आपको ये करना है। अगर नंबरिंग में कुछ गड़बड़ आ रही है, समझ में नहीं आ रही है, तो आप पीछे वाले वीडियो जाके देखो, IUPAC के जो मैंने समझाए हैं नोमेनक्लेचर के, उसको ध्यान से देखो, आपको एक एक चीज़ समझ में अच्छे से आ जाएगी। धन्यवाद, आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करो और साथ ही साथ कमेंट करो। आपके लिए मैं अच्छे से अच्छे क्वेश्चंस लाकर आपको दूंगा, जो एग्जैक्टली वो क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे, NCERT बेस्ड होंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बेस्ड होंगे, एक्स्ट्रा फालतू क्वेश्चंस मैं नहीं लेके आऊँगा, मैं जो लाऊंगा उसमें से क्वेश्चन श्योरली आएगा, ये बात की मेरी गारंटी है।